गौवंश की नृशंस हत्याओं के विरोध में चारों ओर बंद। जबलपुर विजयनगर की घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन। गौवंश की हत्या के विरोध में परसवाड़ा रहा चौतरफा बंद। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आधा सैकड़ा से अधिक गौ माताओं की नृशंस हत्या किए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व सर्व हिंदू समाज के द्वारा बालाघाट बंद किया गया। बंद का असर पूरे बालाघाट में देखने को मिला। यहां सुबह से ही छोटे छोटे चाय पान नाश्ता टपरे की दुकान सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान गुजरी बाजार इतवारी बाजार सहित पूरा शहर बंद रहा। वहीं बसों का संचालन व पेट्रोल डीजल पंप सुबह से दोपहर 2 बजे तक बंद रहे, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं काफी लोग डीजल पेट्रोल के लिए भी परेशान होते रहे। बंद को सभी धार्मिक व सामाजिक संगठनों का भी समर्थन रहा। इस दौरान शहर के कालीपुतली चौक में आम सभा का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे कालीपुतली चौक से रैली निकालकर हनुमान चौक पहुंचकर गौ माता के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने की मांग को लेकर SDM को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने 19 जून को जबलपुर के विजयनगर में एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ लोगों द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के साथ गाली देकर मारपीट करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और इस मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे विजयनगर जौलपुर में विजयनगर के स्थित कार्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यालय में आकर तोड़फोड़ की गई, पूरा अस्त व्यस्त फर्नीचर किया गया, गाली गलौज की गई और सबसे भी मन नहीं भरा। और कल उन्हीं तत्वों द्वारा हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्शित की, जबकि हमारा कर्मचारी दिन रात भरी धूप में भरे पानी में लगातार काम कर रहा है, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसके कारण हम लोगों ने पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जगह ज्ञापन दिया जा रहा है और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की। परसवाड़ा सिवनी जिले में विगत 19 जून दोदावाड़ी पिंडरई धूमा एवं केवलारी क्षेत्र की वैनगंगा नदी में लगभग 50 गौवंश के शव मिलने से समूचे समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बुलाया गया बंद पूर्णतः सफल और शांतिपूर्वक रहा। परसवाड़ा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित पेट्रोल पंप बसें बंद रहीं। गौवंश की हत्या करने वाले और क्षेत्र में गौ तस्करी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सिवनी जिले में लगभग 50 गौवंशों के शव मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बालाघाट जिला सहित चांगोटोला में भी क्षेत्रीय युवाओं के द्वारा चारों खुट बंद कर आह्वान किया गया, जिसका चांगोटोला परिक्षेत्र में जोरदार असर देखने को मिला। छोटे दुकानदार एवं व्यापारियों के द्वारा बंद का समर्थन कर चांगोटोला नगर में 2 दर्जन से अधिक युवा एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से नगर में भ्रमण किया गया तथा गौवंश की हत्या करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रशासन से NSA लगाए जाने की मांग की गई। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौवंश की हत्या करने जैसे कृत्य के विरोध में कठोर से कठोर कानून बनाने तथा कार्रवाई करने की बात की गई। नगर भ्रमण के पश्चात युवा एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा चांगोटोला थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अपराधियों पर कार्रवाई हो, जिला प्रशासन होश में आओ। घटना 19 तारीख को सिवनी जिले की दोंदेवानी केवलारी में जो घटित हुई है, उससे सर्व समाज हिंदू समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित है और वो कार्रवाई की मांग कर रहा है कि पुनः ऐसी कोई घटना ना घटे। जैसा कि मैं अवगत और कराना चाहूंगा कि चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो पुनः इससे आक्रोशित रूप से अगर घटनाक्रम होगा अगर तो ऐसी ही यहां पर आंदोलन तीव्र होगा। ये 19 तारीख को जो घटना घटित हुई है, निर्मम पशु मतलब गौ माता की हत्या जो हुई, जिनका गले काट कर हत्या की गई, जो प्रदर्शित होता है कि ऐसे क्रूर व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लगभग 50-60 गौ माता का शव जो मिला है, उस संबंध में हम हिंदू संगठन के सभी समस्त लोग उसकी निंदा करते हैं और
हम ये चाहते हैं कि गौ माता को हम अपनी माँ मानते हैं और उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह से विवाद की स्थिति पैदा करने जैसी स्थिति है और कहीं ना कहीं यह आंदोलन छिड़े, यह कृत्य करके यह साबित होता है कि आपस में लड़ाया जाए, ऐसे दोषियों पे ऐसी कार्रवाई हो कि कोई गौ माता को ऐसे मारने के बारे में सोचे भी ना।